पंजाब के जिला फिरोजपुर के सरहदी एरिया अवैध शराब के लिए जाने जाते हैं। वहां पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अवैध शराब का धंधा करते हैं। आबकारी विभाग व पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने वाला सामान बरामद किया है। यह पहला मामला नहीं है जब पुलिस ने इतनी बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी है। इससे पहले भी पुलिस अधिकारी विभाग अवैध शराब पकड़ते हैं, लेकिन आज तक पुलिस विभाग इस अवैध शराब को बंद नहीं कर पाए। छापेमारी के दौरान 1200 लीटर से अधिक शराब बरामद की गई है, जिसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। एन स्टार न्यूज के लिए फिरोजपुर से सुखचैन सिंह की रिपोर्ट।